उन्हें वोटिंग से बाहर रहना है। राजकुमार रोत खुद हमारे साथ में। राजकुमार जी, कितनी वोटिंग हो चुकी, कौन सा नंबर था आपका वोटिंग में? मेरा नंबर 161वां नंबर था जी। और इससे पहले लंबी लाइन लगी थी, पिछली बार भी अनुभव किया राज्यसभा चुनाव का, इस बार भी लाइन यहाँ भी लगी थी, आपको वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा, लाइन आपके यहाँ भी लगी थी जब आपको मनाने के लिए कांग्रेस के नेता एक कतार में खड़े थे, कौन सी लाइन ज्यादा रोचक और प्रभावी दिख रही थी? रोचक और प्रभावी तो वही लाइन अच्छी थी, वही लाइन ठीक है। उस लाइन का कोई समाधान, कोई ठोस नतीजे आते हुए दिखेंगे? जो आप लोगों को आश्वासन मिला है, पहले भी एक बार आपको कांकर डूंगरी समेत और दूसरे मुद्दों पर आश्वासन मिले, अभी सांबला बीडीओ का ट्रांसफर आप हो ही गया। पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को साइड में करके हमको चुन के भेजा, हमको चुन के भेजा। इस आधार पे हमने दमदार तरीके से राज्य सरकार के सामने हमारी मांगे रखी है और वो मांगे पूरी होगी, और पूरी होगी तो मेरी विधानसभा को नहीं, पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को इसका फायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा, इसके बाद हमारे क्षेत्र की जो मांगे थी उन मांगों का भी धीरे धीरे परिणाम आएगा और पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को इसका बेनिफिट होगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से, दोनों से आपकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिला परिषद में जब वोटिंग हुई जिला प्रमुख के लिए, तो कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया, समर्थन दे दिया और आप लोगों को वंचित रख दिया वहां से? बिल्कुल, देखो ये देश के इतिहास में मेरी जानकारी के अनुरूप पहली बार हुआ था कि डूंगरपुर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हुई थी, कांग्रेस के कैंडिडेटों ने बीजेपी को वोट दिया था। अब उनका जो परिणाम है उनको भुगतना है, क्षेत्र की जनता आने वाले समय में वो परिणाम देगी, ठीक है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको भी, जो जो इस घटनाक्रम के अंदर जो मौजूद लोग थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, बीजेपी के जो लीडर थे, उनको वो भुगतना है, उनको परिणाम उनको मिलेगा, उनको कर्मों का परिणाम। हमारी जो बात रही, हमारा जो यहाँ पर वोट देने का, वर्तमान सत्ता कांग्रेस की है, कांग्रेस से समर्थित जो व्यक्ति था उनको हमने मत दिया है, वो मत इसलिए दिया है कि हमारे क्षेत्र की जो मांगे वो मांगे इन सरकार से मनवाएंगे और क्षेत्र में कई इनके दोनों विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य का भी काम कराएंगे। अगला विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे? देखो हमने एक व्यवस्था बना रखी है कि हमारे उस इलाके में टिकट को महत्वपूर्ण नहीं, लोगों को समझाया कि टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, वोट महत्वपूर्ण है, और वोट महत्वपूर्ण है, जो मतदान देगा वही सिलेक्शन करेगा और सिलेक्शन करके अपना उम्मीदवार तय करके अपना वोट देगा। तो उस व्यवस्था के अनुरूप हमने वहाँ पार्टी और टिकट को महत्वपूर्ण नहीं माना है। वो दरिया चुनाव में का परिणाम भी हमने परफॉर्मेंस जो रहा, तो आम राय से निर्वाचन क्षेत्र की जनता है, जो कमेटी बनी है वो तय करके करेगी, ताकि जो व्यवस्था देश के अंदर बनी है, ऊपर से टिकट लेके व्यक्ति आता है तो जो व्यक्ति MLA MP बनता है तो ऊपर के व्यक्ति हाईकमान का प्रति मतलब उत्तरदायित्व तो रहता है, उसके प्रति जवाबदेही रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में जो व्यवस्था है कि जो MLA है MP है जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति जवाबदेही रहे कि जनता टिकट इसको देगी, ना कि आपके इस बयान को इस रूप में देखा जाए कि BTP से भी अब आपका मोह भंग हो चुका है, आप नई पार्टी बनाएंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में जाएंगे? देखो इसका चर्चा चल रहा है, आप देख ही रहे हो, सबके सामने है। मेरा एक ही वापस वही जवाब है कि टिकट और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र में वोट महत्वपूर्ण है, जनता महत्वपूर्ण है, और उसकी ताकत हमने दिखाई और आने वाले समय में भी ये दिखाएंगे। क्या इसीलिए BTP की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था उसको आप लोगों ने कुछ वेटेज नहीं दिया? देखो हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बुजुर्ग है, मान्य सम्मान्य है हमारे लिए, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से क्या सोचा क्या नहीं, व्हिप जारी कर दिया। हालांकि अथोराइट वो नहीं थे, हमारे विधायक दल के नेता अथोराइट थे, और जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए हैं हम लोगों ने ही तय करके, आदिवासी परिवार जो हमारा जो संगठन है उन्होंने, हमने आगे होके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, न कि हाईकमान ने, BTP ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, हमारे लोगों ने कमेटी ने चयन करके जो व्यवस्था है उस आधार पे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया था। तो हमारे लोगों ने तय कर दिया था इस बार हमें वोट कहाँ देना है, इस आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर वोट देने का। फिर आपके वोटर्स के लिए और हमारे दर्शकों के लिए पूछना चाहूंगा, नई पार्टी या फिर निर्दलीय 2023 में? मैं वही चीज है कि हमारे क्षेत्र की जनता को ये हम समझा चुके हैं और समझा रहे हैं कि टिकट और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र में वोट महत्वपूर्ण है, और वोट की ताकत दिखाई थी, आने वाले समय में भी दिखाएंगे, लोगों के माइंड से निकालना चाहेंगे कि लोकतंत्र में पार्टी और टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, वोट महत्वपूर्ण है। तो आपने सुना, ये थे राजकुमार रोत, BTP के विधायक हैं, लेकिन संकेत अभी से मिल गए हैं 2023 के कि संभवतया अब वो BTP के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को वो ये समझाते हैं कि वोट महत्वपूर्ण है और किसको भेज रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, पार्टी को वो गौण कर रहे हैं। और पिछले दिनों देखा जैसे BTP से थोड़ी थोड़ी दूरियाँ दोनों विधायकों की बढ़ गई थी, दरियावत चुनाव में भी दोनों विधायकों ने और स्थानीय लोगों ने